यदि हम प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था को ठीक ढंग से समझेंगे और उसके साथ ठीक ढंग से अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे, तो साथियों हम जो आज पैसा कमाते हैं उसके गुणात्मक पैसा पैदा करने की समर्थ हमारी खेती में है। हम जहां आज एक एकड़ से 50-60 हजार रुपए भी नहीं निकाल पाते हैं, वहां 5-10 लाख रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक चित्र दिखाता हूं। ये एक एकड़ जमीन का एक चित्र है। एक एकड़ का मतलब है 4000 वर्ग मीटर का। इसमें अब हम फसल प्रणाली को 3 आकार में लगाते हैं। सबसे पहले हम अपनी बाउंड्री पर एक बफर जोन लगाते हैं। बफर जोन के बारे में बताया गया कि बफर जोन का मतलब है मैं कुछ ऐसी फसलों को लगाऊंगा जो एक वर्ष से ज्यादा अवधि चलेंगी, जिसमें बकायन, केला, सर्पगंधा, सतावर, संपूर्णा घास, गुआना घास और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको आप अपने में तय कर सकते हो। इसी प्रकार खेत का दूसरा हिस्सा है जिसको हम बी बोलते हैं। बी वो एरिया है जहां पर हम एक वर्ष से ज्यादा अवधि की फसल या तो फलदार पौधे या गन्ना जैसी फसलें हम लगाते हैं, जिससे जिसके बीच में हम सीजनल क्रॉप भी लगाते हैं। मूल रूप में जैसे गन्ने के साथ लहसुन और कंद में आलू, मूली, शलजम, गाजर जैसी कोई चीज हम लें, इससे क्या हो जाता है, गन्ने के लिए पोषण के लिए लहसुन और इन कंदों के द्वारा जो खुराक जमीन को मिलती है वो गन्ने के पोषण में काम आती है, तो हमको अतिरिक्त कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी मोटी आवश्यकता यदि आपको लगती है अपनी जमीन के हिसाब से तो आप डाल सकते हैं, और उसमें डालने के लिए बहुत सहज है कि यदि हमारे एक एकड़ जमीन में ये 10 कॉलम बनते हैं, ये 3 मीटर की चौड़ाई में होता है और लंबाई इसकी खेत के हिसाब से होती है। इसमें हम 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक कंपोस्ट खाद, 5 किलो नीम की खली और 5 किलो सरसों की खली को मिलाकर एक एक में ये प्रयोग करते हैं, तो ये गन्ने के लिए भी पोषण का काम करती है, लहसुन के लिए भी और आलू, मूली, शलजम के लिए भी। इसके साथ साथ में हम तीसरे कॉलम में जाते हैं, जो तीसरा कॉलम जिसको बोलते हैं हम फसल प्रणाली जो सीजन के हिसाब से होती है या सीजनल जोन। सीजनल जोन का मतलब है ऐसी फसलें जैसे गेहूं, सरसों हो सकती हैं, अलसी हो सकती है, हल्दी, मक्का, मिर्च हो सकती हैं, इसमें आप सब्जियां भी लगा सकते हैं और जुताई करने की व्यवस्था भी बना सकते हैं। इन तीनों तरीके से क्या पता लगता है कि हम अपने खेत में एक ही वर्ष में हम 9-10-12 फसलों को ले लेते हैं, और इसका एक मास्टर प्लान हमको पहले अपने खेत तैयार करना होता है कि हम पहले खेत में जाने से पहले ही अपने खेत की नापतोल कर लें और नापतोल करते हुए देखें कि कहां से मुझे सिंचाई करनी है, कहां से मुझे फसलों को निकालना है, मुझे किस फसल को लगाना है तो कितने दिन तक लगाना है, उसकी बीज की आवश्यकता कितनी है और कैसे मुझे काम पूरा करना। अब इस प्रकार से किसान साथियों हम उत्पादन करते हुए एक जगह पहुंचे कि हम 12 महीने कुछ ना कोई फसल निकालते रहते हैं, और हमारे पास कभी सब्जियां, कभी अनाज, कभी तेल वाली फसलें, कभी फल और कभी टिम्बर वाली लकड़ियां या कभी जड़ी बूटियां हमको मिलती रहती है। अब दूसरी क्रिया शुरू होती है कि आप सवाल करेंगे कि इसका बाजार कहाँ होगा, बिक्री कैसे होगी, तो हम आपको निवेदन करें कि इसके लिए हम लोग एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए निःशुल्क एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी की है, उसका नाम है PGS इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। किसान भाइयों आप सभी गांव के लोग मिलकर 10-15 लोगों को मिलकर एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को आप भारत सरकार की जो एक सर्विस है जिसको हम पोर्टल बोलते हैं, तो पोर्टल पर आप अपना डाटा लोड कर सकते हैं। अब जब बेचने जाते हैं तो साथियों एक काम और अब बढ़ जाएगा, उससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आप जब गन्ना पैदा करते हैं तो गन्ना यदि मिल को देते हैं तो उसका एक रिजर्व रेट है, 300 रुपये क्विंटल जाता है, लेकिन वही जब गन्ना हम शक्कर बनाते हैं और उसको एक ब्रांड बनाकर बेचते हैं तो वही आज बाजार में 50-60 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिकता है। इससे क्या हो गया, हमारे गन्ने का रेट जो 300 रुपए का था वो 600 से 900 रुपए तक चला गया। तो वैल्यू एडिशन में हमको एक तो ये आराम मिला कि हम सीधे प्रयोग करना, उपभोक्ता करने वाले जो हमारी चीजों का जो प्रयोग करना चाहते हैं उन परिवारों तक सीधे पहुंचते हैं। तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ हमको प्रोसेसिंग में भी जाना है, गेहूं से कैसे आटा तैयार होगा, कैसे चोकर बनता है, कैसे दलिया बनता है, गन्ने से कैसे गुड़, शक्कर, सिरका और उसका जैम बनता है, ऐसे हल्दी का पाउडर कैसे बनता है, तो मेरे खेत में जो भी चीज पैदा होती है वो सीधे रूप में कैसे उपभोक्ता तक जा सकती है, या फिर जो मेरे पास शेष बची है तो उसको मैं कैसे प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, पैकेजिंग कर सकता हूँ, इसके लिए भी भारत सरकार ने
टीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अब एफएसएसएआई ऑर्गेनिक के साथ जोड़ दिया है, जिसमें जैविक भारत के नाम से एक लोगो लगेगा और वो ये विश्वास की गारंटी देगा कि ये जो किसान है जो इस लोगो को लगाकर बेचता है ये शुद्ध रूप से ईमानदार किसान है। तो आप इस प्रक्रिया से जरूर जुड़ें। तीसरी बात मैं और कहूँगा कि बाजार व्यवस्था कुछ नहीं होती, बाजार हम जो चीज पैदा करते हैं तो खरीदार को हमारे बीच में विश्वास पैदा हो जाए, हमारे और खरीदार के बीच में एक जो बिचौलियापन है वो हट जाए, इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि किसान ने जो पैदा किया और उपभोक्ता ने जो लिया उसके बीच में आप 4-5-6 गुना 10 गुना का गैप है। तो किसान भाइयों, जैविक खेती का रेट नहीं बढ़ाना है बल्कि इसी गैप में अपने को स्थापित करना है। पहले से रेट बढ़े बढ़ाए हैं, आप यदि बाजार के रेट पर भी चीजों को बेचेंगे तो आपकी आमदनी 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये प्रयास सामूहिक है, हमको सामूहिक रूप से मिलकर काम करना होगा। हमारे महापुरुष भी हमको यही संदेश देते आए कि संगठन में शक्ति है, सामाजिकता में ही विकास है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम गांव के रहने वाले लोग जो खेती से जुड़े हैं, चाहे किसी के पास जमीन नहीं है, चाहे किसी के पास जमीन कम है या ज़्यादा है, हम लोग मिलकर ये योजना बना सकते हैं गाँव में, ताकि गाँव के नौजवानों को रोजगार गाँव में मिले, गाँव के किसान की अर्थव्यवस्था ठीक हो और हम देश और दुनिया के साथ सही अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य की बात को लेकर अच्छी खेती कर सकें। जैविक खेती कोई प्रतिक्रियात्मक काम नहीं है, जैविक खेती राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसके नाम बदलने की जरूरत है, केवल समझना है प्रकृति की व्यवस्था को हम कैसे समझकर जिए। नमस्कार।